रायबरेली पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा बरामद किया है। गांजा उड़ीसा से पंजाब तस्करी कर ले जाया जा रहा था। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही डीसीएम, 2 अवैध असलहे, 900 रुपए नगद समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह लोग काफी पहले से इस कार्य में लिप्त थे, हालांकि अभी तक यह पकड़े नहीं जा सके थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्यवाही की गई है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। देखिए, आज थाना डलमऊ और सर्विलांस और स्वाट की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं रघुनाथ गोसाई, जो लुधियाना के रहने वाले हैं, दूसरे हैं संतोष राठौर, जो लुधियाना ग्रामीण के रहने वाले हैं, ओरिजिनली कानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के कब्जे से करीब 6 क्विंटल 12 किलोग्राम ये गांजा बरामद हुआ है, अवैध कॉन्ट्राबैंड बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। रफ एस्टिमेट एक ये है। इनके कब्जे से एक डीसीएम बरामद हुई है, जिसमें ये गांजे की जो बोरियां थी वो रखी थी। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस, एक ATM और 900 रुपया कैश बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों से बहुत सघनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उड़ीसा के पर्टिकुलर पॉइंट से ये गांजा प्रोक्योर करते थे और पंजाब में जा कर के इसको ये बेचते थे एट डिफरेंट रेट्स। जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके बारे में तहकीकात की जा रही है। इस ट्रेड में इनके साथ और बाकी लोग भी जो शामिल हैं उनकी भी उनके नाम बता करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तगणों का पूरा डॉजियर और त्रिनेत्र जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसमें अपलोड कराया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके और भी जो फर्दर एक्शन इसमें होना है वो हम लोग आगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा, पहले से कोई आपराधिक इतिहास? पहले से इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और तो इन्होंने ये बताया है कि पूर्व में भी 1-2 चक्कर ये लगा चुके हैं, जब मैं पुलिस की निगाह से बच के निकल गए थे। इसमें से दूसरा अभियुक्त जो है संतोष राठौर, उसके विरुद्ध इसके नेटिव जनपद के थाने में एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन उस मुकदमे में बाद में FIR लग गई थी। बाकी इन लोग का ये पहला क्राइम तो पहला नहीं है, प्रकाश में पहली बार आए।